ग्वालियर के दौलतगंज में स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से महिलाएं हीरे से जड़ी हुई सोने की अंगूठी चुरा कर ले गई। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सराफा व्यापारी गिरीश अग्रवाल का कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शोरूम है। अग्रवाल द्वारा कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उनके शोरूम में रात को जब स्टॉक का मिलान किया गया तो उसमें हीरा जड़ित सोने की अंगूठी कम निकली। इसका वजन 2.48 ग्राम है, साथ ही इसमें 0.25 कैरेट का हीरा जड़ा हुआ है। इन्हें अज्ञात चोर चुरा ले गए। शोरूम संचालक ने पुलिस को दो महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिन पर शोरूम संचालक ने चोरी की आशंका जताई है। बता दें कि इस पूरे घटना की जानकारी शोरूम के संचालक को देर रात तब लगी जब उसके स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है फरियादी गिरीश अग्रवाल द्वारा, जिनका कृष्णा ज्वेलर्स का शोरूम है दौलतगंज में, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके द्वारा वेरिफिकेशन करने पर उनकी दुकान में एक सोने की अंगूठी हीरा जड़ित डायमंड लगी हुई थी, वो जो किसी के द्वारा चोरी की गई है। उनकी रिपोर्ट पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचना में जो सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें दो संदिग्ध महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो शोरूम में आई हैं और वो अंगूठी देख रही थी और वो संभवतः वो ले गई हैं। इस संबंध में उनकी अन्य सीसीटीवी फुटेज पर टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर शिनाख्त की जा रही है। जल्दी से जल्दी उनको शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जाएगी, उनके कब्जे से अंगूठी बरामद की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी।